बहुत चलो है भाई। वेलकम टू त्रिपुरा। त्रिपुरा आने का साथ ही साथ मिल गया ट्रेडिशनल वाला कपड़ा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह तो अभी मैं हूँ लैंडिंग पे ही, और लैंडिंग में उतर गया हूँ मैं, और आपसे मेरा जर्नी स्टार्ट होगा त्रिपुरा का है। तो देखते हैं भाई, मैं जिंदगी में कभी त्रिपुरा की पे गया नहीं मैं, तो आज देखते हैं भाई त्रिपुरा पे। तो मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा, 3 बजे या 3 बजे के बाद ही पहुँच जाऊँगा आराम से, और उसके बाद खूब घूमेंगे त्रिपुरा में। और गाइस देखते रहना, तो काफ़ी लोग मुझे त्रिपुरा से बुला रहा है, वेलकम भी कर रहा है पहले से ही। तो वहाँ जाने के बाद देखते हैं वहाँ का मॉल कैसा है, वहाँ का खाना वाना कैसा है, कब खाएँगे घूमेंगे ऐश करेंगे। तो अभी चलते हैं भाई, इसमें थोड़ा मोबाइल को चार्ज करते हैं अभी, लेकिन मोबाइल चार्ज करते करते तो लाइट चला गया। अभी रेलवे स्टेशन में काफ़ी मतलब शांत है, पूरा खाली है, और ज़्यादातर लोग को त्रिपुरा जाने वाला ही है, त्रिपुरा सीखे जाने वाला है लंबिंग से होकर। मेरा तो वो कांचनजुंगा ही है, यहाँ से लंबिंग से वो कुमारघाट तक। वाह, यहाँ पर इतना पक्षी रहते हैं, इतना सिलर है, पूरा पक्षी पक्षी का आता। ये लोग कवर से ना रेलवे स्टेशन बहुत घटा हो रहा है, ये जहाँ तहाँ हाँकता है पक्षी लोग। और आखिरी 4 बज चुके हैं, लेकिन ट्रेन वाला लगभग 7 बजे के आसपास ही पहुँच गया। गुवाहाटी क्रॉस हुआ है, एक्चुअली में गुवाहाटी में घुसने वाला था, उस तरफ नहीं गया, उधर जाने से टाइम बहुत बर्बाद हो जाएंगे। चला दूसरा को मैं डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहूँगा, अपना दोस्त लोग मतलब पढ़ाई करा एक्सपीरियंस है ज़रा तारे के लिए पैन लेते हैं। और ये मैं समझा उसके डायरेक्ट कुमारघाट जाना बेहतर होगा लंबी से, लंबी से उतर। तो ये है वेटिंग हॉल, ये नाम का वेटिंग हॉल। ट्रेन तो लगभग आ जाएगा 7 बजे के आसपास, तो वेट करते करते हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मच्छर है ज़रा नहीं, बस एक दो तो ही होगा, हाथ में अटक किया एक तो मच्छर हुआ। यहाँ पर पक्षी लोग बहुत हगा है, ऊपर में बैठ के हाथ देखो, यहाँ पर पक्षी लोग बहुत मीटिंग कर रहा है, आपस में पूरा मीटिंग कर रहा है, ट्रेन के वेट में सब वेट कर रहे हैं इसमें सो सो के। और ये भी त्रिपुरा का ही है, और त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस तो अगरतला पहुँचने वाला, लेकिन मैं ये वाला नहीं किया हूँ मैं। अगर ये वाला टिकट बुक कर रखा हो मुझे बहुत जल्दी नहीं होता, तो कोई बात नहीं, मुझे लगा कि लेट होगा वहाँ हम लोग का ट्रेन, थोड़ा लेट कर रखे हैं हमें, और इसमें वेट कर रहे हैं हम लोग वेटिंग हॉल में। वो चलते हैं अंदर पे, तो वहाँ जाने के लिए पैसा देना पड़ता है 10 रुपया, खाने के लिए 20 रुपये लगता है। वाह, अभी तो सुबह हो गया, मॉर्निंग हो गया, ट्रेन वो अभी तक लापता है, और यहाँ पर ना बस बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए 20 रुपये लगते हैं। और मैं तो पूरा इंडिया में कहीं पर भी मतलब सब भी जगह में 10 रुपये लगते हैं, तो ये लैंडिंग है भाई, यहाँ पर तो 20 रुपये लेगा। अभी तो धीरे धीरे करके क्लियर हो रहे हैं, शाम को 3 बजे या 3:10 20-25 में पहुँच जाऊँगा मैं, तो एक्चुअल टाइम तो लिखा हुआ है 3 बजे के आसपास पहुँचना चाहिए मुझे कुमारघाट। पूरा फोगवा निकल रहा है, फोगवा वेलकम टू लंबिंग स्टेशन। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा चूहा रहते हैं, ट्रेन वा को वेट करते करते हालत ख़राब हो गया है, एक्चुअली लेट हो गया ना, काफ़ी लेट होता है ट्रेन, ठीक टाइम पर नहीं आते हैं। और मैं खाल का लगा हुआ खाना अभी तक नहीं खाया हमें, अभी तक प्रिया है क्योंकि ऐसे नहीं आया होना चाहिए, बदबू हर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, थोड़ा सही सलामत है, बाद में खाऊंगा, ट्रेन में छोड़ते ही खा जाऊँगा। वानता है तो वाह, बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा ये, इसको पकड़ने से तो इनाम भी मिल सकता है, इनाम, लेकिन इनाम तो नहीं दिया इसने, फिर ही मिल जाएगा। कांचन चुंगा यार, बहुत टाइम लगेगा, आया नहीं है अभी तक, मोबाइल में दिख रहा है लगभग वो 25 मिनट समथिंग लेट दिख रहा है, पता नहीं मोबाइल तो जिद बोलता है, ये अलग ही होता है। 5 में आ जाएगी, तो आने वाले हैं, मुझे कुछ ना करेगा A1 जनरल वाला, तो ठीक है यार, तो हम लोग का रिजर्वेशन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है ढूंढने के लिए A1, तो A1 है तो जनरल वाला जहां पर भी उछलता हो, इस तरह पे हमारा A1। सुबह हो गए हैं, चलिए ये पूरा वॉश किए हैं, क्योंकि पक्षी लोग बहुत हाक देते हैं ना इसलिए। शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगा त्रिपुरा जर्नी, मतलब
यहाँ से जाने के बाद खूब रेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं A1 में ही वेट करूँगा बॉस A1। सो दोस्तों, त्रिपुरा का दोस्तों से बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे और मैं 25-26 को अगरतला जाऊँगा, तो उससे पहले मैं घूम घूम के रहूँगा। अरे ट्रेन तो आ रही है, ये सीधा आदमी हुआ, इसमें लिखा सिलीगुड़ी ट्रेन। वाह, काफ़ी लंबा है भाई, बहुत लंबा है ट्रेन। वाह, हम पे चाहे A1 30, बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा से आ रहा है। पहुँच गया A1। अरे हम लोग को छुट्टियाँ बनाया, बोलते हैं वहाँ रुकेगा लेकिन यहाँ घुसना पड़ेगा। आई है ना A1। ओके, 13-17-4 अभी चल जाते हैं। फाइनली सीट मिल गई है और अभी हाथ वॉश करते हैं, उसके बाद खाना फिनिश करेंगे गाइस। सो फाइनली खाना भी खा चुका हूँ और मुझे अपना सीट भी मिल गया है, कंबल भी मिल गया है, तकिया भी मिल गया है, सभी सीधा। अभी मैं सोऊंगा, सीधे जाऊंगा और कमरगट एक्चुअली जो खाना मैं घर से लेके आना वो खाना था पूरा सही सलामत था, मुझे लगा कि सर जाएगा नहीं सर आया, पर ओके है, थैंक्स प्रियंका। अभी सोएंगे, आराम करेंगे भाई। भाई कुमारघाट में मुलाकात होते है भाई शाम को 3 बजे के बाद ही, बाय, सोते हैं अभी आराम करेंगे। मैं इतना सोया तो और मेरा आँख भी खुल गया, खूब सोया, अब तो नींद नहीं आ रहा है, और भी सोऊंगा भाई। अभी तो न्यू हफलोंग में हूँ मैं और धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा भाई। आई है त्रेनवा के पूछ, इसको किसने से दरा रुक जाएगा, किस दुका कितना रहेगा भाई। लेट लेट के तरफ बाहर निकलते हैं, सोलह खिड़की की तरफ में मुझे लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया था, बारी मिस्टेक हो गया भाई। बहुत स्लो है भाई, बहुत स्लो, हफलोंग का हैंडसम पहाड़, इधर भी सुपर एक ही करता है यार, पार के ऊपर में पार काट के यहाँ पर सुरंग का अंदर में घुस गया है। सुरंग तो काफी लंबा है, अभी तक निकला नहीं है, पूरा अंदरा है भाई। कितना मीटर का था ना भाई, रिक्स यार, कोई चोर बदमाश सुरंग मोबाइल किसके ले गया तो डर के मारे मोबाइल निकाले आपने। अरे सुरंग तो ओके हो गया, निकालो कंप्लीट हो गया काफी, मतलब लंबा है सुरंग हुआ, मस्त लग रहा है, मस्त मस्त मस्त। अच्छी बात है थोड़ा प्राइवेसी के लिए, ये पर्दा है ना इसको अपना हिसाब से इसको बंद कर सकते हैं, प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा है ये, सबका होता है अपना अपना प्राइवेसी। मैं सबसे ऊपर में हूँ। आखिर पहुँच गया है बदरपुर में, गर्म है भाई यहाँ पर, और यहाँ से बहुत जल्द पहुँच जाएंगे त्रिपुरा में, अभी तो आसाम में ही है। और ये है ट्रेन, वह काफ़ी वो बाहर से बेकार लगता है लेकिन अंदर में तो काफ़ी बढ़िया है, शानदार था। और घुसते हैं भाई, बदरपुर जंक्शन पहुंच गए हैं और हम साला कैमरा को वाइप भी नहीं किया, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं काफ़ी गर्म है भाई। अंदर में घुसते हैं और हमारे वहां पर तो बहुत ठंडा है भाई, बहुत गर्म है बदरपुर जंक्शन। पानी बोतल चाहिए, पानी बोतल चला गया वो, लेकिन पीछे मोड़ के नहीं देखा, पीछे मोड़ के देखा तो
शायद काफ़ी आगे निकल गया था, एक्चुअली में पानी पी रहा था, मुझे लगा कि पानी है बोतलवा पे और थोड़ा भूख लग रहा है, कुछ खाने को मिल रहा तो हाँ मिल भी जाना चाहिए। इसमें खास सलीम हो रहा है, खाने का चीज़ नहीं है। अंदर मुनागर पहुँच गया हूँ मैं, तो एक्चुअली ना मैं जब क्लास टेन में पढ़ता था धर्मनगर का लड़के से बात करता था, लेकिन वो तो शादी कर लिया है वो धर्मनगर रेलवे स्टेशन शादी करके फैमिली भी मतलब बैठ लिया, बच्चे भी मिल गया, तो खैर पाँच दो बच्चों का माँ भी बन चुकी है, जिससे मैं बात किया करता था उसमें, जब क्लास टेन में था बड़े हरामी था उसमें, छोटा करके गर्लफ्रेंड लड़की चाहिए था, छोटा करके मतलब गर्लफ्रेंड समय मेरा दोस्त लोग मैं भी बात करता था, जीत आ गया कि हमको भी लड़की पता नहीं बोल के पता लिया और अभी चलते हैं अंदर पे ही। मैं उससे बोला था कि एक दिन मैं आ जाऊँगा धर्मनगर में घूमने के लिए, आ गया धर्मनगर में और ये है हम लोग का अंदर में घुसते हैं अभी। वेलकम टू धर्मनगर, और नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाऊँगा कुमारघाट में। सो हम धर्मनगर क्रॉस हो रहे हैं तो वहाँ पर उतर जाएंगे, क्या बोलते हैं कुमारघाट में। मेरा ही तो यहाँ पर मैं एक नहीं बात दो तो लड़कियों से बात किया था मैं, जब क्लास टेन था ना उस समय लाइन मारा था मैं, वो लोग तो अच्छा खासा मतलब नौकरी करने वाला गवर्नमेंट सरकारी जॉब ला मिल गए हैं, शादी कर लिए हैं और मैं चिकन चिकन बन गया हूँ मैं बहुत पहले की बात है। और लेकिन वो लोग का नाम नहीं बताऊंगा, अगर बताने से ना वो लोग का हस्बैंड कुछ भी बोल सकते हैं, उसके साथ बात किया तेरा एक्स था वो था वो था, ऐसे उल्टा सीधा सवाल पूछ सकता है। तो मैं तो धर्मनगर में कभी आया नहीं, कभी फेस टू फेस मिला नहीं, ओनली मोबाइल से फ़ोन से फेसबुक में व्हाट्सएप में और कुछ नहीं। तो फिर भी मतलब लड़का का मन होता है ना ऐसे ऐसे हो गया होगा, ऐसे ऐसे हो गया होगा, ऐसे कुछ तो होता है मन के अंदर में सवाल होते हैं, इसलिए नाम नहीं बताऊँगा दो दो भाई। और फिर उनका देख लिया शायद ये इसको ही पता है इसके बारे में मैं उस समय बदमाश था, क्लास टेन इलेवेंथ में काफ़ी बदमाश था उस समय। सो धीरे धीरे करके शाम हो रहा है और 10 किलोमीटर मतलब फेंडिंग है रेमिन है और 10 किलोमीटर बाकी है और कुमारघाट पहुंचने के लिए। अभी तक पैसातल क्रॉस किए हैं और मुझे पैसातल घूमने का मन है, यहाँ पर अभी घूमेंगे कभी दिन पैसातल। और पहुँच गया हमें कुमारघाट रेलवे स्टेशन, अभी कॉल करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, पता नहीं कौन सी रोड से आ रही है वो लेने के लिए। माली हलम एक लड़की मतलब वो, और फाइनली मिल गया है मुझे रिसीव करने वाले। हाँ ये पहले भी गया था और ना चल, और ये नया दोस्त है ये, मैं तो फैमिली मेंबर हूँ। हाँ 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 फैमिली मेंबर है, और मेरा छोटा ससुर का वो साली है जो प्रियंका का अंकल है ना वही मतलब इसका से शादी किए हैं। जाना पड़ेगा अभी ओवर ब्रिज क्रॉस होके कुमारघाट रेलवे स्टेशन, अभी बाहर निकलते हैं। और पहुंच गया आखिरकार हम लोग का डेस्टिनेशन में, यहाँ से कुछ खरीदते हैं बस, यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ से दस और यहाँ से दस लेके जाएंगे, और यहाँ से कुछ खाने पीने का सीजन लिया हमें दराजी के लिए, मतलब बुजुर्ग के लिए और सीनियर आदमी के लिए, फैमिली का मिल के लिए, सब के लिए अलग अलग करके यहाँ से ले लिया हमें। बस सामने ही बोलता है यहाँ से, एक्चुअली मैं उधर मेन टाउन से लाने वाला था, वहाँ से लेके नहीं आया क्योंकि यहाँ पर भी मिलता है इसलिए। और आखिरकार पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो पहाड़ के नीचे है नेशनल हाईवे तो ऊपर में ही है तो गाँव, और कल मतलब दूसरा एक्सप्लोर करेंगे भाई यहाँ पर अंदर में है का इधर में। ये है हमारा रूम बोल रहे हैं, रूम अच्छा नहीं है यार। ना 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 अभी मतलब बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा अभी। हाँ ये लोग का तो काफी प्रॉपर्टी बढ़िया है, उधर मेन रोड में बहुत देर सा जितने दुकान है वहाँ पर सब रेंट दिए हैं किराया पे, और काफी पढ़ा जा रहा है ये लोग का, और ये घर भी सब रेंट पे दिए हैं। और इसमें आ गया मुझे स्वागत करने के लिए ग्रास ऊपर क्या तू खाओगे इसको मत मारना इसको ये लोग का इधर फंस गया। ओ ये जगह का नाम क्या है दलाई में? हाँ, दलाई डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, और ये कहाँ से आया थपक के गिर गया इसमें? ये
यही है करमसरा का इसका मेन करमसरा है वेलकम टू त्रिपुरा आने का साथ ही साथ मिल गया ट्रेडिशनल वाला कपड़ा लुकिंग लाइक अ वाओ थैंक्स ट्रेडिशनल ना पता नहीं ट्रेडिशनल इस ट्रेडिशनल ऐसे बनते ना ऐसे बनेगा नेताजी जिंदाबाद हाँ मैं बहुत देखा मैं त्रिपुरा का लड़का लगना और रैली निकलता है किसी मतलब घटना होने से या किसी का एरर डिमांड करने से इससे जस्टिस मिलने से वही वन जस्टिस जस्ट बोलते हैं प्रोटेक्ट यो क्या बोलते हैं इसे प्रोटेस्ट हाँ प्रोटेस्ट करते हैं वही वन जस्टिस बोलते हैं इसी के लिए बात की बहुत देखा मैं साला भी थैंक्स अभी खाते हैं खाना ये चिकन और ये पता नहीं क्या सब्जी है ये बैंगन होगा तो टेस्टिंग करते हैं हाँ बढ़िया हुआ मस्त बढ़िया और मैं खाना खा के भी आ चुका हूँ मैं वापस तो अभी नहाते हैं भाई और ये बिस्तर मेरा था एक आदत है कि खाना खा के नहाना है और वीडियो को कल सुबह फिनिश करेंगे शायद और मैं तो दोपहर को बहुत सोया हमें तो काफ़ी सोया हमें इसलिए नींद नहीं आएगा शायद लेकिन बहुत जल्द पहुंच चुके हैं वहां से और अरुणाचल से यहां पर वही 3-4 घंटे में पहुंच जाना चाहता क्योंकि ट्रेन ना बहुत लेट है इसलिए अगर ट्रेन ना सही टाइम पर सफर करता तो मैं वही 3-4 घंटे में ही पहुँच जाता मैं यहाँ पर त्रिपुरा में ही तो ये बस आसाम का बॉर्डर से ना दूर नहीं है बस सामने ही है और मैं यहाँ पर रहा हूँ मैं कल ये तो रेंट है ये फ्लोर रेंट है वो लोग का जो हम लोग का रिश्तेदारी होते हैं बोले तो प्रियंका का चाची का मम्मी चाची का घर है यहाँ पर वो उस तरफ पे तो यहाँ पर वो दूसरा को रेंट पे देते हैं और ये रूम खाली है और भाई तो त्रिपुरा में तो कल शाम को पहुँचा था लेकिन एक्चुअली मुझे कल 3:00 ऐसे कुछ मिनट के बाद ही पहुँचने वाला था एक्चुअली ना वो वहाँ पर हापलोंग का रोड ना तो ट्रेन का रोड ख़राब है तो रिपेयरिंग चल रहा है अंदर कंस्ट्रक्शन में इसलिए धीरे धीरे करके मतलब चला गया है ट्रेन हुआ के ड्राइवर तो इसी के वजह से मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी लेट हुआ लगभग 2 घंटे के आसपास लेट हुआ और अभी मैं हूँ कुमारगा से आगे यहाँ पर 82 माइल ना क्या बोलते हैं जगह का नाम भूल गया फिर से देखना पड़ेगा अगरतला शिलोंग क्या रोड बोलते हैं अभी मैं हूँ 82 माइल्स बाजार में तो अगरतला शिलोंग सर्वम रोड इसे कुछ बोलते हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लगभग 2 दिन के आसपास रह जाऊँगा और मैं यहाँ से कहीं पर चला जाऊँगा और मुझे मन है कि वो हिली एरिया ब्लेस एरिया पहाड़ी एरिया जहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं ना जिन कल्टिवेशन करते हैं वहाँ पर जाने का मन कर रहा है लेकिन इसके लिए मुझे आदमी ढूंढना पड़ेगा और अभी तो टाइम काफ़ी हो चुके हैं मैं एक्चुअली वीडियो एडिटिंग कर रहा था मैं यार मुझे नहीं पसंद रहा है भौंक रहा है वहाँ पर तो एक्चुअली ना वीडियो एडिटिंग करते करते लेट हो गया हमें और बाद में एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर आने के बाद काफ़ी मुझे मस्त लगा अच्छा लगा कि ऐसे लग रहा है कि मैं भी अरुणाचल में हूँ तो सेम इधर में बीच बीच में पहाड़ ही होते हैं बीच बीच में हिल एरिया होते हैं यहाँ पर एक तो पॉइंट है और यहाँ पर खेती करते हैं और यहाँ पर पाइनएप्पल की खेती करते हैं यहाँ पर तो हाँ एक तो गड्ढा है यहाँ पर कार वार आने से डायरेक्ट एक्सीडेंट हो जाएगा गिर जाएगा यहाँ पर डाउन करके अभी सो गाइस वीडियो को फिनिश करते हैं ना तो मिलेंगे कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ तो बाय गाइस बढ़िया से है ना बर्फेत करना खाना और खूब इंजॉय करना और मैं सोच रहा हूँ ना वो पेचाटल कठिन सिवरदान में जाने का तो 10 तारीख को ही तो शायद ये वीडियो 10 तारीख के बाद भी आ सकते हैं क्योंकि ना मेरा पास ना वो 3-4 वीडियो ऐसे तक में पड़ा हुआ है एक्चुअली मेरा चैनल में ऐसे तक लग गया था ना वो बोले तो पैसा के चक्कर में तो पैसा कमाने के लिए तो अच्छा खासा पैसा मिलता है ना गेम प्रमोशन करने से और मैं यहाँ पर 26
तक रहूँगा त्रिपुरा में 26 सितंबर तक रहूँगा, उसके बाद मैं सीधा चला जाऊँगा अपना गाँव की तरफ में डिब्रूगढ़ में रह जाऊँगा एक रात, और दोस्तों के साथ घूमना भी है रहना भी है, तो सिर्फ पैसा देखने से नहीं होता है भाई। जब तक मतलब आपका हेल्थ ठीक है तब तक घूमते रहो, बुढ़ा होने के बाद घूमने को नहीं मिलेगा, उल्टा सीधे खाने पीने का चीज़ें नहीं मिलेगा, क्योंकि बुढ़ा होने के बाद तब पैसा जमा रहते हैं लेकिन एनर्जी नहीं रहता, अभी तो एनर्जी है और पैसा भी है, तो इसलिए सबसे पहले घूम लेंगे भाई। और यहाँ पर है धान की खेती, खेती फैली है खेती, यहाँ पर तो फिशिंग करने से मछली मिलेगा, यहाँ पर सब है ना, और मैं जहाँ पर आया हूँ वही लोग का है, और प्रियंका का मतलब चाचा मतलब यहाँ से शादी किया है ये घर से, वो भी त्रिपुरा से, मतलब पहले बात करता था लड़की से, जैसे कि मैं धर्मनगर का लड़के से बात करता था, बोले तो हम लोग का कम्युनिटी का लड़के से बात करता था बहुत पहले, तो उन्होंने तो जहाँ से बात किया वहाँ से शादी कर लिया और मैं जिससे बात करता था वही सर्विसमैन मिल गया, गवर्नमेंट सर्विसमैन मिल गया, वो शादी कर लिया वो सक्सेस हो गया और मैं फेल हो गया, शादी कर नहीं पाया यहाँ से मैं। अच्छा हुआ कि अपने गाँव से शादी किया मैं, बाय गाइस कभी दिन बात करके इसके बारे में, लेकिन नाम बताना नहीं चाहूँगा मैं